हेलो लवली लेडीज वेलकम टू माय चैनल आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉपर टी और कॉपर आई को यूज़ करना सेफ़ होता है कि नहीं ये कैसे काम करती है इसमें कितना खर्चा आता है इसको लगवाने में लगवाने में कितनी दिक्कत होती है कितनी तकलीफ होती है और लगवाने के बाद क्या होता है और इसके अलावा मैं आपको अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कॉपर आई यूज़ करने का वो भी शेयर करूंगी तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि कई महिलाओं को बार बार अबॉर्शन कराना पड़ता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन मेडिकल अबॉर्शन कराती हैं और हर बार मेडिकल अबॉर्शन काम भी नहीं करता है फिर डीएनसी करानी पड़ती है उसमें प्रॉब्लम होती है और कई महिलाओं तो बार बार डी करवाती हैं ये सब देख के मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है और मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या आप लोगों को आप में से कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि आपके पास बर्थ कंट्रोल के कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं या अगर आपको पता है तो आपको कोई भ्रम है आपके दिमाग में कोई ऐसी डाउट्स हैं जिसकी वजह से आप उनको यूज़ नहीं करते क्योंकि अगर आप ये सोचें कि जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स के आपको साइड uh, इफ़ेक्ट्स या जो भी ऐसी चीज़ें पता है जो कि हर किसी में नहीं मिलती हैं उससे ज़्यादा नुकसानदायक तो ये होता है जो आप बार बार अबॉर्शन अपना करवाती हैं कितना ब्लड लॉस होता होता है है कितनी आपकी हेल्थ के लिए ये नुकसानदायक तो आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कॉपर्टी के बारे में या कॉपर आईओडी के बारे में बात करेंगे और फिर जैसे कि मैं आपको बोला था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कॉपर आईओडी के साथ जो है वो शेयर करूंगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉपर आईओडी होती क्या है और कैसे काम करती है देखिए आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यानी कि ये जो इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर बच्चेदानी के अंदर तो ये एक छोटा सा डिवाइस होता है अः प्लास्टिक का होता है इस पर कॉपर वायर जो है वो लिपटी होती है तो इसको जो है आपके बच्चेदानी में लगा दिया जाता है वहाँ पे तो ये कैसे काम करती है कि इसमें से जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं वो आपके स्पर्म के लिए नुकसानदायक होते हैं जो स्पर्म यूट्रस में एंटर करता है ये उसकी मोटिलिटी को चेंज कर देते हैं मतलब उसको ठीक से मूव नहीं कर दे आ, करने देते और यूट्रस का इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है जो स्पर्म फ्रेंडली नहीं रहता है उसकी वजह से स्पर्म एग तक नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इस वजह से इसमें प्रेग्नेंसी जो है नहीं हो पाती है इनके यूज़ में तो अब मैं आपको ये जो मेथड्स हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में बता दूं सबसे पहले आईयूडी के सबसे पहला बेनिफिट तो अगर मैं आपको बताऊंगी जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन में जो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताती रही हूँ कि इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव uh, जो होते हैं जो कि कॉमन ब्रांड्स जो मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं अनवांटेड 72 और आई आप लोग ये भी बहुत गलत करते हैं आप लोग आई और अन वॉन्टेड सेवेंटी को टॉफी की तरह यूज करते हैं कि uh, uh, जब भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया बाद में हम आई खा लेंगे या अनवॉन्टेड सेवेंटी खा लेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स होती हैं ये इमरजेंसी यूज के लिए ही होती हैं इनको इमरजेंसी में यूज करना होता है इस तरीके से नहीं यूज करना होता है जैसे आप लोग करते हैं कि रेगुलर यूज के लिए आप लोग इसे यूज करते हैं ये आगे चल के आपके लिए ही बेनिफिशियल नहीं रहता है तो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको रेगुलर मेथड अगर आप रेगुलरली सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको कोई अच्छा रेगुलर जो मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का वो यूज़ करना है इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव इमरजेंसी के लिए ही होती है ना कि इस तरीके से बार बार यूज करने के लिए आ, तो खैर यहाँ थोड़े डाइवर्ट हो गए हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि uh, क्या बेनिफिट होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव आप लेते हैं विद इन थ्री डेज आपको लेनी होती है अगर थ्री डेज से आपको ज़्यादा हो जाते हैं चार डेज हो जाते हैं या फाइव डेज हो जाते हैं तो यहाँ पे जो कॉपर आई होती हैं उनका इतना अच्छा यूज़ होता है इसमें कि अगर आप फाइव डेज के अंदर अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के फाइव डेज के अंदर अंदर आई जो है कॉपर आई लगवा लेते हैं तो वहाँ पर इसकी जो एफिकेसी होती है वो नाइनटी होती है अनवॉन्टेड सेवेंटी टू की एफिकेसी जो होती है वो नाइन होती है लेकिन कॉपर आयोडिस की जो एफिकेसी होती है वो 99.9% होती है तो बहुत इफेक्टिव होते हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए तो एक तो आपको ये बेनिफिट मैंने आपको बताया इसका जो होता है दूसरा बड़ा बेनिफिट जो इसका होता है वो ये होता है कि अगर आपको बेबीज के बीच में गैप करना है फैमिली प्लानिंग करनी है तो अगर आप और मेथड्स यूज करते हैं जैसे कि ये डीएम पी आते हैं और इसके अलावा और भी जो हार्मोनल मेथड्स होते हैं इसमें आपका ये एक इसमें इश्यू रहता है कि अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करते हैं यानी कि आपको अब बेबी प्लान करने का आपका मन है और आपने ये मेथड्स जो हैं हार्मोनल मेथड्स ये डिसकंटिन्यू किए तो उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और डीएमपीए इंजेक्शन में तो ऐसा होता है कि कई बार आपको काफी महीने बाद उसमें आपकी प्रेगनेंसी पॉसिबल हो जाती है यहां तक कि कुछ महिलाओं में तो एक या दो साल का भी टाइम लग सकता है और कई महीने का टाइम तो इसमें नॉर्मली लगता ही है क्योंकि तुरंत आपकी फर्टिलिटी जो है वो रिटर्न नहीं करती है यहाँ पे अगर आप कॉपर आईओडी यूज कर रहे हैं तो आप जिस दिन कॉपर आयोडी अपनी निकलवा दी उसी दिन से आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस वापस बन जाते हैं तो इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता है जबकि और कई मेथड्स ऐसे होते हैं जो हार्मोनल मेथड्स होते हैं उसमें आपकी तुरंत फर्टिलिटी जो है वो वापस नहीं आती है कुछ महीने का टाइम तो लगता ही है उसके बाद ही प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी फिर से बनती है जबकि आईयूडी में जैसा कि मैंने आपको बताया जिस दिन आपने निकलवा दी उसके बाद से ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं तो अगर आपको सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करनी है उसके बाद यानी कि आप खाली एक टेम्प्रेरी मेथड की तरह एक ऑप्शन uh, ढूंढ रहे हैं बर्थ कंट्रोल का तो आईयूडी आपके लिए बहुत सही मेथड है क्योंकि इसको आप जब भी डिसकंटिन्यू करेंगी तो आप दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हैं तीसरा बेनिफिट जो इसका होता है वो ये है कि ये हार्मोन फ्री होती है इसमें हार्मोन्स नहीं होते हैं तो कई लेडीज को क्या होता है कि हार्मोनल मेथड्स अगर वो कोई भी यूज करती हैं तो थोड़ा वेट गेन का इश्यू होता है यानी कि वजन थोड़ा बढ़ने लग जाता है तो अगर आपके साथ ऐसी

आपको पता भी नहीं चलेगा याद भी नहीं रहेगा कि आपने मल्टीलोड या कॉपर uh, आईओडी लगवा रखी है और आप टेंशन फ्री होके इतने इयर्स तक रह सकती हैं अब इसमें क्या होता है थ्री या फाइव इयर्स का जो इश्यू है वो ये है इसमें uh, कि बेसिकली जो ये कॉपर आईओडीज मैंने आपको बताई ये कई टाइप के आते हैं तो इसमें कॉपर्टी uh, थ्री आती है और मल्टीलोड के नाम से आते हैं मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव मल्टीलोड टू फिफ्टी तो इसमें क्या होता है जो मल्टीलोड 250 होता है वो अगर आपने एक बार लगवा लिया तो आपको तीन साल तक फिर कुछ नहीं करना है आप तीन साल के बाद उसको निकलवा सकते हैं चाहे तो पहले भी निकलवा सकते हैं लेकिन वो तीन साल तक आपका काम करेगा अगर आपने मल्टीलोड 375 लगवाया है तो वो आपका फिर पांच साल तक काम करता है पांच साल तक आपको कुछ नहीं करना है आप टेंशन फ्री है पांच साल के बाद उसको निकलवा के अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप एक और मल्टीलोड थ्री लगवा सकते हैं फिर से अगले पांच साल के लिए तो इस तरीके से ये मेथड होता है अगर मैं यहाँ पे आपको प्राइस की बात बताऊं यानी कि खर्चा कितना आता है इसको करने में तो कोई खास खर्चा नहीं आता है मल्टीलोड टू फिफ्टी जो होता है ये तीन साढ़े तीन सौ के रुपए का आ जाता है आपका और जो आपका मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव होता है यानी कि जो फाइव इयर्स वाला मल्टीलोड होता है वो आपका पांच सौ साढ़े पाँच सौ रुपये तक का आ जाता है अब हम बात करते हैं कि इसको लगवाने में क्या करना पड़ता है लगवाने के लिए तो ऑब्वियसली आपका घर पे नहीं लगेगा आपको मेडिकल सेटअप में ही जाना पड़ेगा लगवाने के लिए अब वहां पे इसको लगवाने में जो टाइम लगता है वो ज्यादा नहीं लगता है हार्डली पांच मिनट का टाइम लगता है लगाने में तो इसमें अगर आपको ये चिंता है कि इसमें कितना आपको तकलीफ होगी लगवाने में तो देखिए तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं होती है थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूर होगा क्योंकि आपका स्पेक्युलम आपकी वेजायना में लगाया जाएगा ओपन करने के लिए फिर थोड़ा सर्विक्स को यानी कि बच्चेदानी के मुंह को आपके डॉक्टर थोड़े स्टेबलाइज करके फिर उसमें इंसर्ट करते हैं आपकी आयुडी तो इसमें देखिए पेन जनरली नहीं होता है किसी किसी को हो सकता है लेकिन जनरली होता नहीं है और थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है मैं कहूँगी कि थोड़ी सी आ, डिस्कम्फर्ट होता है पेन इतना नहीं होता है और पूरे 5 मिनट का ये टाइम लगता है ज्यादा से ज्यादा उसके बाद आप फ्री हैं एकदम से आपको उठना नहीं चाहिए क्योंकि कई बार एकदम से उठने में फिर थोड़ा सा चक्कर आ जाता है क्योंकि सर्वाइकल हैंडलिंग हुई होती है वहाँ पे आपकी बच्चेदानी के मुंह को थोड़ा टच किया होता है तो उससे आपको थोड़ा सा चक्कर आ सकता है लेकिन थोड़ी देर लेट के वो ठीक हो जाता है और थोड़ी देर आपको थोड़ा चक्कर आ सकता है तो इतना सा ही आपको इसमें जो है वो डिस्कम्फर्ट होता है और जब इसके निकलवाने का टाइम आता है तो वो भी प्रोसेस बहुत ही ईजी होता है ज़्यादातर महिलाओं में मैं बता रही हूँ देखिए एक्सेप्शन्स हर जगह होते हैं और हो सकता है किसी किसी को वो चीज़ सूट ना करे जो चीज़ ज़्यादातर लोगों को सूट कर रही है तो वहाँ पे एक्सेप्शन हो सकते हैं किसी किसी को तकलीफ़ हो सकती है लेकिन जो कॉमनली होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको निकलवाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है दो मिनट में ये निकल जाता है अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ करने के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या क्या करना चाहिए। तो क्या होता है कि शुरू शुरू में में कुछ कुछ महीने आप में से महिलाओं को हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो स्पॉटिंग है वो हो सकती है थोड़ी सी ब्लीडिंग इरेग्युलर हो सकती है और पीरियड थोड़ा हैवी आ सकता है थोड़ी क्रैम्पिंग हो सकती है यूट्रस में लेकिन जनरली ये कुछ महीने के बाद जो है अपने आप ठीक हो जाता है तीन से छः महीने का टाइम लग सकता है लेकिन फिर आपकी बॉडी जैसे यूज टू हो जाती है इसको लेकर तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती आपको पता भी नहीं चलता है कि इसमें कोई आ, आपके यूट्रस में कोई डिवाइस लगा हुआ है तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता है आप में से कई लोग के मन में ये भी इसमें डाउट रहता है कि इसको लगाने के बाद सेक्स करते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती कि आपके मेल पार्टनर को इसमें कोई पेन या आपको कोई पेन इसमें होता तो नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता है अगर किसी को हो रहा है तो वो एक एक्सेप्शनल केस है वो एक अलग बात है किसी को रेयरली अगर हो रहा है या उसकी स्ट्रिंग जो है मल्टीलोड की आपके कॉपर आईओडी का जो धागा सा होता है जो आपके वेजाइना में पड़ा रहता है उसको कोई कोई बहुत रेयरली फील कर सकते हैं लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं कुछ भी ऐसा नहीं होता है कुछ भी पता भी नहीं चलता है कि कुछ लगा हुआ है तो ये एक वहम ही है भ्रम ही है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कि इससे सेक्स में प्रॉब्लम आती है ऐसा कुछ नहीं होता है अगर रेयरली किसी को आ रही है तो हो सकता है थ्रेड जो है वो ज़्यादा लंबा रख दिया हो किसी ने आपको लगाते वक्त तो वो आप जाके उसको ठीक करवा सकते हैं उसकी लेंथ थोड़ी शॉर्ट करा सकते हैं तो ये कोई कॉमनली ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है कॉमनली नहीं पता चलता है तो ये एक आपकी डाउट मैंने अभी क्लियर करी और इसके अलावा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर इन्फेक्शन हो जाए जो कि कॉमन नहीं होता है क्योंकि हॉस्पिटल्स में जनरली स्टेराइल कंडीशंस में आपको लगाया जाता है अगर आपको इन्फेक्शन की कोई शिकायत हो जाती है तो वहाँ आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर सकते हैं लेकिन जो कॉमनली होता है वो मैं आपको बताऊँ कि कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं कि इसमें कैसा रहता है तो मैं जो यूज़ कर आ, करती हूँ या जो मैंने यूज़ किया है वो मल्टीलोड यूज़ किया है एक्चुअली तो मल्टी लोड टू भी यूज़ किया है और मल्टीलोड थ्री सेवेंटी भी यूज़ किया है तो मैं आपको बताऊं मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि मैं मल्टीलोड यूज़ कर रही हूँ मुझे कोई टेंशन जो है वो प्रेगनेंसी की नहीं रहती है अभी तक बिल्कुल मैं सेफ रही हूँ और टेंशन फ्री लाइफ इस रीज़न से कि बार बार प्रेगनेंसी हो रही है

जो कि बाद में ठीक हो जाती है तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आ, लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर आप बार बार अबॉर्शन करा रहे हैं उसमें आपका कितना ब्लड लॉस हो रहा है कितनी आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे तो कम ही प्रॉब्लम आपको होगी अगर आप ये यूज करें तो अगर ये मेथड आपको सूट करता है अगर आप आपके लिए चल जाता है ये मेथड क्योंकि कुछ महिलाओं को रेयरली ऐसा होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके साइड इफेक्ट्स में ऐसा हो सकता है कि कुछ महिलाओं को थोड़ी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए इससे या थोड़ा उनको सूट ना करे कॉपर तो उनको थोड़ी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और थोड़ी क्रैम्पिंग वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं तो उस केस में आप फिर इस मेथड को मत यूज करिए आप कोई और मेथड यूज़ करिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक आध केस सुन लिया कि कुछ ऐसा हो जाता है तो आप ये सोचें कि आपके लिए भी ये मेथड नहीं है और आप बिल्कुल आप बार बार प्रेग्नेंट होने के लिए तो आप तैयार हो जा रहे हैं लेकिन आप मल्टीलोड या और कोई इस तरीके के बेहतर जो क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं मल्टीलोड्स की ही बात कर रही हूँ मैं ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स पिल्स पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी अभी तक है नहीं मेरे चैनल पे वो भी मैं करूँगी बाद में लेकिन इतने सारे अच्छे अच्छे मेथड्स जो हैं बर्थ कंट्रोल के वो हैं और फिर भी अगर आपको बार बार अबॉर्शन कराना पड़ रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है इसका मतलब आपको आ, या तो अवेयरनेस ही नहीं है बर्थ कंट्रोल मेथड्स को लेकर या आपके मन में कुछ भ्रांतियाँ हैं कुछ भ्रम हैं और उनको दूर करना जरूरी है तो ये आ, जो भी मैं शेयर कर रही हूँ सच में मुझे अफेक्ट करता है ये चीज क्योंकि विमेन जबी भी प्रेग्नेंट होती है प्रेगनेंसी होती है तो सारी जो प्रॉब्लम है वो आपको झेलनी पड़ती है अबॉर्शन की जो भी डिफिकल्टी है वो आपको झेलनी पड़ती है तो आपको खुद ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से बर्थ कंट्रोल मेथड्स को सही से यूज़ करना है तो आज यहाँ पे मैंने आपको मल्टीलोड के बारे में बताया अगर आपका खुद का कुछ मल्टीलोड का एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर करिए या कोई भी डाउट आपके मन में हो आप कुछ पूछना चाहती हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है कुछ काम का लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक like कर सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं मेरे चैनल पर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड कई वीडियोज़ मिलेंगे इसके अलावा जो वुमेन कंसीव करना चाह नहीं लेकिन है। का, बनाए हैं ले है। ले है। जैसे कि ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं। ऐसे ही आपको और भी मिल जाएंगे तो अगर आप चाहें तो आप चैनल को विजिट करके देख सकती है मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए